अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसे हम स्केलर्स भी कह सकते हैं और इसे हम स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी आपके साथ क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाई इट्स मैग्नीट्यूड और साइज ओनली। फिज़िकल क्वांटिटी फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था डिटेल में कि फिज़िकल क्वांटिटी आपके साथ वो चीज़ें हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। हमारे साथ कुछ क्वांटिटी फिज़िकल ऐसी होती है जिन्हें मेजर करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इनफ होता है, यानी उसकी साइज़ या हम उसकी लेंथ अगर हम कह दें, या हम उसका हमें ये नहीं रिक्वायर्ड होता कि हमें उसे डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए होती उसकी। ठीक है, हम सिर्फ़ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से उसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि टेल मी द लेंथ ऑफ योर फिज़िक्स बुक, आप लोग मुझे अपनी फिज़िक्स बुक की लेंथ बता देंगे। आप लोग मुझे ये नहीं कहेंगे कि मेरी फिज़िक्स की बुक की लेंथ इस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ साउथ में है। इस तरह कहने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ कहते हैं कि लेंथ ऑफ आवर फिज़िक्स बुक इज़ 2 मीटर या 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इस तरह हम कह देते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें कोई भी डायरेक्शन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमें पता चल गया कि ये क्वांटिटी है, इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ अब जो है, फॉर एग्जांपल, दैट इज़ योर स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड आया है मैग्नीट्यूड, या मैंने साइज़ भी इसे कहा है, इसे हम समझेंगे पहले कि ये होता क्या है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपके साथ क्या है? नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। ठीक है, अगर आपके साथ एक नंबर है और उसके साथ एक यूनिट है, तो हम उसे कहते हैं कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। यूनिट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े भी थे, बेस और डिराइव क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल, आपके साथ अगर एक मास है, या लेंथ ही मैं कह दूँ, अभी मैंने जो लेंथ की एग्जाम्पल आपको दी है, लेंथ हमारे पास है सपोज 3 मीटर। ठीक है, अब ये लेंथ जो है, अगर मैं यहाँ पर एक लेंथ ड्रॉ कर दूँ 3 मीटर की लाइन, लेट अस सपोज दिस इज 3 मीटर, तो अब मैंने अगर यहाँ से यहाँ मेजर करूँ रूलर से, तो ये 3 मीटर होगा। और अगर इस साइड से मैं मेजर करना शुरू करूँ, इस साइड से यहाँ पर ए और बी पॉइंट अगर मैं इसे दे दूँ, अगर ए से बी तक मैं डिस्टेंस मेजर करूँ तो 3 मीटर होगा, अगर बी से ए तक मैं मेजर करूँ तब भी 3 मीटर होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। तो ये अब आपके साथ एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट, ये अब नंबर है। ये 3 जो है आपके साथ क्या है? ये एक नंबर है। ठीक है, और ये मीटर जो है, ये इसका यूनिट है। तो ये दोनों मिलकर इन्होंने बना दिया मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें हमने कोई भी डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर मैं सपोज मास ले लूँ, मास भी आपके साथ एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 10 kg, तो ये भी मैंने इसके नंबर और मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट, नंबर और यूनिट को कंबाइन किया, तो इससे बन गया मैग्नीट्यूड। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी मैंने साथ में कोई भी डायरेक्शन नहीं लिखी। सपोज़ आपके साथ ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इसका वेट है, या इसका मास है 10 kg, तो मैंने सिंपल कहा है कि मास ऑफ दिस ब्लॉक इज़ 10 kg, यानी मैंने इसका 10 जो है ये एक नंबर है, और इसका ये kg जो है ये इसका यूनिट है। तो ये ओवरऑल कंबाइन जो है एक मैग्नीट्यूड है। तो ये मास अब मैंने इसे सिर्फ रिप्रेजेंट किया है मैग्नीट्यूड से, मैंने इसमें कोई डायरेक्शन शो नहीं की कि इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जिस तरह मैंने लेंथ का कहा है, लेंथ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करें, मैग्नीट्यूड से हम उसे डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें, सो दैट क्वांटिटीज़ आर स्केलर क्वांटिटी। हमें उसमें कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसकी एग्जाम्पल जब हम डिस्कस करते हैं, इसमें आ जाता है मास और लेंथ, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया भी है। इसी तरह टाइम, टाइम अगर हम देख ले किसी भी चीज़ का, अगर हम टाइम फाइंड करें, तो मैं कहूँगी कि द टाइम इज़ सपोज 2 सेकेंड।
तो ये अब नंबर है और ये इसका यूनिट है, यानी ये एक ओवरऑल मैग्नीट्यूड है। मैंने इसमें कोई भी डायरेक्शन शो नहीं की कि 2 सेकेंड है, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस तरह मैंने नहीं कहा। इट मीन्स इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह एनर्जी हो गया, टेम्परेचर भी, जब हम कहते हैं कि आज 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो हम कोई डायरेक्शन इसमें डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके साथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब हम अगर स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना चाहे या सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रिक मेथड जो है आपके मैथ्स में हम यूज़ करते हैं, बाय ऑर्डिनरी अलजेब्रा हम इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेट अस सपोज आपके साथ दो मासेस हैं, एक आपके साथ है 2 kg और दूसरा मास है आपके साथ 3 kg, और मैंने इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं सिंपल लिखूंगी 2 kg प्लस 3 kg इक्वल टू 5 kg, ठीक है। ये आपकी सिंपल एडिशन है। इसी तरह अगर मैंने इन दोनों को माइनस करना है तो मैं लिख लूँगी 3 kg माइनस 2 kg इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। सिंपल अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई करना है तो मैं लिख लूँगी 3 kg मल्टीप्लाई बाय 2 kg, तो इससे आ जाएगा 6 kg। सो ये सिंपल आपके मैथ्स के अलजेब्रा के जो रूल्स हैं उसी मेथड से स्केलर और वेक्टर की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है। नाउ लेट अस स्टार्ट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसे भी हम कहते हैं वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में अब हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह दूँ फोर्स आपके साथ कितना है, मैंने लिखा है 3 न्यूटन, ये न्यूटन जो है इसका यूनिट है और 3 कोई नंबर है। इट मीन्स कि ये मैंने लिखा है नंबर और ये मैंने लिखा है यूनिट, तो नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट ये बन गया मैग्नीट्यूड। लेकिन अब मुझे फोर्स लगानी किस डायरेक्शन में है। सपोज मैं कह दूँ कि ये मेरे साथ एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, और इसे इस पर फोर्स लगाएं, तो अगर मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगी तो ये बुक नीचे की तरफ जाएगा, अगर मैं नीचे से फोर्स लगाऊंगी तो ये बुक ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मैं इस साइड से फोर्स लगाऊंगी तो ये राइट साइड मूव करेगा, और अगर इस साइड लगाऊंगी तो ये लेफ्ट साइड मूव करेगा। इसका मतलब कि 3 न्यूटन फोर्स सिर्फ कहना इनफ नहीं है, मुझे साथ में ये भी कहना है, ये भी डिस्क्राइब करना है कि मुझे ये फोर्स लगानी किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फोर्स, ठीक है, एज वेल एज अदर थिंग एज वेल। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसमें हमें डायरेक्शन का कहना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसके साथ कह दूंगी प्लस, या इसके साथ मैं लिख लूँगी ईस्ट, कि ईस्ट की डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है, तो फिर मुझे ईस्ट की डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, या मैं कह दूँ वेस्ट, या मैं कह दूँ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साइड पे आप लोग फोर्स लगाएं, तो डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या मैं इसकी जगह ये भी मेंशन कर सकती हूँ कि लेफ़्ट साइड पे अप डाउन लेफ्ट राइट, ये भी मैं मेंशन कर सकती हूँ अपनी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। सो दिस इज़ फोर्स, तो मुझे ये पूरा मेंशन करना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। इसी तरह अगर मैं वेलोसिटी आपको कह दूँ, फोर्स हो गई, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, इसमें हमें ज़रूर डायरेक्शन भी मेंशन करनी है, तभी ये क्वांटिटी पूरी एक्सप्लेन होगी। अगर मैं कह दूँ कि ये गाड़ी है और इसकी वेलोसिटी जो है वो है 2 meters per second, लेकिन मुझे साथ में ये भी कहना है कि किस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, अगर ये सीधे जा रही है तो मुझे कहना है कि टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, या टूवर्ड्स राइट साइड ये जा रही है, तो मुझे ये वेलोसिटी कम्प्लीटली तब डिस्क्राइब होगी जब मैं इसकी साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करूँगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अनदर टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। स्केलर जो है, जिस तरह मैंने कह दिया मास, लेंथ, वो सिंपल एम से, सिंपल एल से, स्मॉल एम से मास हो गया, स्मॉल एल से लेंथ हो गया, उसमें कोई हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा, बस वो सिंपल उसकी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हम किस तरह ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये वेक्टर है कि स्केलर है, इसीलिए हमने वेक्टर की कुछ रिप्रेजेंटेशन करनी है, ताकि हम सीखनी है, ताकि हमें ये पता चले कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि ये वेक्टर है, उसका जस्ट नाम देखने से ही, ठीक है।
सो टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर की, वन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अदर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो हम वन बाय वन इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है। सिंबॉलिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू मेथड्स। नंबर वन, बाय बोल्ड फेस लेटर्स, ठीक है, आइदर कैपिटल और स्मॉल। यहाँ पर मैंने दो लेटर्स लिखे हैं और दोनों को मैंने बोल्ड किया है। अब अगर आपके साथ कोई भी लेटर बोल्ड फेस में हो तो आप समझ जाए कि ये वाली क्वांटिटी है जो ये वेक्टर है। फॉर एग्जांपल, आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, फोर्स, वेलोसिटी, फ्रिक्शन, ये वेक्टर है। लेकिन कोई अननोन क्वांटिटी आपके साथ आ जाए जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो अगर वो इस तरह बोल्ड लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये बोल्ड लिखा हुआ है। अनदर रिप्रेजेंटेशन इज सिंपल फेस लेटर बट विद द एरो हेड अबव और बिलो। अगर अब आपके साथ कोई लेटर, वही ए है लेकिन वो बोल्ड नहीं है, लेकिन उसके ऊपर या एरो है या उसके नीचे एरो है, तो वो भी आपके साथ एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। एंड दिस इज इट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? जिस तरह मैं भी आपको एक और एग्जांपल ले दूं, बी, बी मैं लिख दूं और इसके ऊपर एरो है तो इसका मतलब ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। सी मैं कह दूं, इसके ऊपर एरो लगा दूं, ये भी एक वेक्टर है। तो एरो अगर ऊपर हो या नीचे हो वो आपकी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अदर रिप्रेजेंटेशन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं? मैंने सिंपल लिखा है बाय एन एरो, एक एरो से, ठीक है। आप जानते हैं कि एरो किस तरह होता है, इस तरह का एक एरो होता है, ठीक है। तो इस तरह की अगर रिप्रेजेंटेशन हुई हो तो आप समझ जाए कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। अब इसमें ये लाइन जो है ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये लाइन शो कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या लिखा है कि लेंथ शोज इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका ये एरो हेड जो है ये क्या शो कर रहा है, एरो हेड शोज इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसका ये लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर जो है अगर फोर्स है 3 न्यूटन, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ या वेस्ट या ईस्ट और वेस्ट के बीच में, तो ये एरो हेड इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है और ये इसका लेंथ शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज शोइंग इट्स लेंथ एंड दिस एरो हेड इज शोइंग इट्स डायरेक्शन। और दूसरी बात ये है कि इस एरो हेड को हम नाम देते हैं हेड का और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं टेल का। तो ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है।